हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अरब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब हम सफर। आज हम बात करेंगे भारतीय विज्ञान की दृष्टि से स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में चर्चा करेंगे और अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे कि हमारा देश कब अंतरिक्ष की ओर बढ़ा, उससे पहले क्या क्या घटनाएँ हुई, इस सब की जानकारी बड़ी विस्तार से हम लोग जानेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे पहले नहीं, पहले वीडियो देख लेते हैं। चलिए देखिए, स्पेस मैंने अंतरिक्ष हुआ। अब स्पेस कहते हैं किसको? जैसे हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ जिसका भाव मैंने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन शून्य हो जाए, अर्थात अगर जहाँ पे ग्रेविटेशनल का मान कुछ हो वो नहीं कहा जा सकता अंतरिक्ष। अगर गुरुत्वाकर्षण का मान अगर यहाँ पे जिसका भार शून्य हो जाता है उसको मैंने अंतरिक्ष कहा जाता है, जहाँ से शुरू हो जाए। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि किसी दीवार पे चढ़ के कूदे और उसके बीच में जैसा हम लोग फील करते हैं उस वक्त, उसी तरह अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री को हर हमेशा फील होते रहता है। तो इस प्रकार वो अपना जो है उसी के फील के दौरान वो खाता है, नहाता है, यानी पूरा जो भी काम होता है सारा काम करता है। लेकिन बशर्ते जब वो 2-4 महीने तक अगर अंतरिक्ष में रह जाए तो उसको वहाँ पे माने जब पृथ्वी पर आता है धरती पे तो उसको चलने में भी उसका जो सेरिबेलम जो है वो काम करना बंद कर देता है, यानी हैबिट ख़त्म होता है तो डगमगाता है। ऐसा कारण हो जाता है क्योंकि जब वो ग्रेविटेशन में, जब आप सोचिए हर हमेशा उड़ते रहिएगा जिसका मान शून्य होता है ग्रेविटेशन, तो क्या दिक्कत आती होगी वो समझते हैं। तो देखिए, इसी के दौरान जब हमारा अंतरिक्ष की ओर रुझान कब बढ़ा, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ 1945 में, तब दो देश उस समय बहुत ही हिट पर था। एक था USSR और उसमें मुख्य रूप से रूस था और बहुत सारे उनके देशों का संगठन था, और एक था USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका का था। तो क्या किया, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ख़त्म हुआ था, इसमें रूस में था समाजवाद और अमेरिका में था पूंजीवाद, तो ये दोनों को दावी आ गया। देखिए, कंपटीशन करने से ज़िंदगी कुछ बेहतर भी हो सकता है, इसका प्रमाण आप इसमें देख सकते हैं। होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब समाप्त हुआ, उसमें इसका समाजवाद था, तो समाजवाद होने के कारण होता क्या है कि इसका मान लीजिए कि ये दोनों अपने आप को इतना शक्तिशाली दिखाने के चक्कर में ये दोनों इतना डेवलप कंट्रीज हो गया जिसके बारे में आप यकीन नहीं करेंगे। हुआ क्या, जब रूस जो है क्या किया, पहले तो अमेरिका क्या करता है कि 1957 में एक पेपर में मैंने देता है रिपोर्ट कि हम कुछ करने वाले हैं। एकदम खिस्सा से समझिएगा इसको, बहुत अच्छा लगेगा और एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हुआ क्या कि 1957 में अखबार में सूचना देता है कि हम अंतरिक्ष यानी चंद्रमा के लिए कुछ शोध करना चाह रहे हैं। बस इधर रूस देख लिया इसको कि ये करने वाला है, कि फट से नहीं क्या किया रूस जो है, अक्टूबर 1957 में इन्होंने एकदम जल्दी जल्दी में अक्टूबर 1957 में मैंने एक संस्था की स्थापना किया जिसका नाम था RFSA यानी कि रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, और अमेरिका ने जो स्थापना किया था उसका नाम था नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव, याद रखिएगा। तो क्या वो अक्टूबर के महीना में 1957 में ये प्रथम बार आया और स्पुतनिक 1 छोड़ दिया। तो आपसे पूछेगा कि स्पुतनिक 1 किस देश में छोड़ा था, तो रूस ने प्रथम बार ये स्पुतनिक 1 छोड़ दिया। तब इसको लगा अमेरिका मैंने वो अपने आप को दिखाना चाहता था कि हम समाजवाद जो है बहुत डेवलप्ड कंट्री हम दिखाना चाहते, तो ये क्या किया कि अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। अब उसके बाद इसको लगा कि इसमें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, मैंने कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर क्या किया कि कहा ऐसे नहीं होगा, इसमें कुछ आदमी वगैरह जाएगा तब न रहेगा। तो क्या किया सबसे पहले कि नवंबर 1917 में ठीक उसके 2 महीना बाद ही तुरंत रेडी कर लिया और स्पुतनिक 2 के नाम से लॉन्च करना चाहा। उसमें क्या कहा कि हम किसी आदमी को भेजेंगे, आप बताइए कोई आदमी को ये पता हो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस नहीं आएंगे तो कोई आदमी तैयार नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया गया, सभी साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि ऐसा है कि एक कुत्ता को हम लोग अंतरिक्ष में भेज देते हैं,
तो क्या हुआ कि कुत्ता को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तब अभी प्लान बनाया गया कि कुत्ता जो है वो पालतू कुत्ता जाएगा कि आवारा कुत्ता जाएगा। तो प्लान बनाया गया कि आवारा कुत्ता को हम लोग भेजा जाए। तो कुत्ता नहीं था, वो कुतिया था एक्चुअली। वो कुतिया का नाम था लाइका, 5-6 बच्चा था। बेचारी को पकड़ के लाया गया, उसको अंतरिक्ष के लिए पूरा मैंने उसका प्रयोग वगैरह करवाया गया और उसको अंतरिक्ष में बैठा दिया गया। देखिए अब कुतिया को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि प्रथम बार उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया था, बाल बच्चे को छोड़कर गई थी अंतरिक्ष में, इसलिए हमारा जीके बनता है कि उसको भी हम लोग याद रखें। तो कुतिया का नाम था लाइका और वो स्पुतनिक 1 से नवंबर 1917 में छोड़ दिया गया और वो अंतरिक्ष में गई लेकिन वापस नहीं आई। तब तक क्या क्या ये सोचिए रहा था, तो ये 1958 में क्या किया, नासा जो है स्थापित कर दिया। अब कहा नासा स्थापित कर दिया है तो ये क्या करता है कि फिर 1961 में वो कहा ऐसे नहीं होगा, आदमी को भेज के देख लेते हैं एक बार, कुत्ता को भेजे तो कोई बात नहीं, अब आदमी को भेज लेते। अब आदमी को भेजा तो आदमी जो जाने वाला था उसको विश्वास दिलाया कि आप जब जा रहे हैं तो वहाँ से ज़रूर आप वापस आइएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा प्लान बनाया गया। तो बहुत करने के बाद वो तैयार हुआ और तैयार होने के बाद 1961 ईस्वी में तुरंत, ये 1958 में स्थापना ही हुआ है और यही 61 में क्या किया, दो को छोड़ दिया, तीसरा 61 में क्या किया, बोस्टक 1 जो अंतरिक्ष यान था उससे यूरी गागरिन जो था पुरुष था वो यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेज देता है, अंतरिक्ष में भेजता है लेकिन वो वापस चला आता है। तो जीके बनाने के चक्कर में रूस क्या करता है कि कहता है पुरुष को भेज देता, महिलाओं को भेज देते हैं। तो वो क्या किया फिर जो है 1963 में इसी यान से वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो महिला थी अंतरिक्ष यात्री, रशियन थी, रूस की थी, उसको भेज दिया गया। वो भी गई, वापस आ गई लेकिन कुछ की नहीं, वहाँ पर उतर नहीं पाई। तो तब तक ये क्या हुआ कि प्लान चलते रहा। 1969 ईस्वी में अमेरिका ने क्या किया, अपना एक यान बनाया ओपोलो का यान बनाया और वो क्या किया, प्रथम बार नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रीन के साथ अंतरिक्ष यान को ओपोलो को भेजता है और कहता है कि तुम वहाँ जाके 2-3 कदम चल लेना, तभी टहल वहल लेना और तभी सन वहाँ से पत्थर उत्थर ले लेना, मिट्टी उट्टी लेना, तब आना वहाँ से। तो ये भी क्या किया 1969 ईस्वी में ओपोलो से भेजा गया। नील आर्मस्ट्रांग आपसे पूछेगा किस देश का था, तो यूएसए का था वो महिला पुरुष सॉरी। उसके बाद उन्होंने जब वहाँ पहुँचा तो एक शब्द बोला था, कभी कभी वो भी पूछ देता है, तो वो शब्द बोला था मानव के लिए ये छोटा कदम है, अभी जो अंतरिक्ष में आए हैं ये मानव के लिए एक छोटा कदम है लेकिन विज्ञान के लिए बहुत बड़ा कदम है। और जाके वो वहाँ पे चंद्रमा पे झंडा गाड़ के वापस आ गई। पूरा दुनिया अमेरिका का एकदम होने लगा कि वाह, एकदम एक ही बार किया, पूरा धमाकेदार किया। बस क्या किया, इतना में बौखलाए हुए रूस क्या किया कि फट से ना 1971 ईस्वी में कहा अब जो है हम चंद्रमा का नहीं, अब हम मंगल का अध्ययन करेंगे। तो 1971 में मार्स यान को कहाँ भेजा था, मंगल ग्रह पर भेजा। तो उसके बाद इसमें हमने बताना भूल गए 1969 ईस्वी में दूसरी कदम जो रखी, पहले नील आर्मस्ट्रांग वहाँ रख दी, उसके बाद उसका जो साथी था वो उतरा था जिसका नाम था एल्ड्रीन भी वहाँ पे उतरा था। ऐसे लोग जानते हैं कि फर्स्ट वाले को जानते हैं, सेकंड वाले को नहीं जानते, अगर ऐसे पूछ दे तो उसका नाम था एल्ड्रीन। तो यहाँ था मंगल। अब बस रूस क्या किया, कहा अब जो है हम चंद्रमा का अध्ययन नहीं करेंगे, अब हम करेंगे मंगल का अध्ययन। तो मंगल का अध्ययन करने के लिए 1971 ईस्वी में मार्सियान भेज दिया। अभी भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत सब कुछ देख रहा है आराम से, एकदम पूरा निश्चिंत होकर देख रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि झगड़ा कैसे कैसे हो रहा है, 1972 ईस्वी में कहा कि अच्छा तुम मंगल का अध्ययन करेगा, कहा अब अमेरिका का नहीं, अब जो है हम बृहस्पति का अध्ययन करेंगे। तो वो क्या किया था, पायोनियर नाम का यान से बृहस्पति के अध्ययन के लिए भेजा और अमेरिका ने फिर बाद में मंगल ग्रह का अध्ययन पथफाइंडर के नाम से किया था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी के बीच जो है हमारे देश में सिर्फ परमाणु परीक्षण या परमाणु का अध्ययन किया जाता था, अनुसंधान केंद्र था उस समय। विक्रम साराभाई एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वे ये सभी घटनाओं को देखकर बड़ा खुश हो रहे थे और मन में सोच रहे थे कि अब हम भी करना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे उनसे बात किए और कहे कि जो हम भी जो है अंतरिक्ष जो है से बनाना चाहते हैं। तो क्या किए, 1962 ईस्वी में ही थुम्हा रॉकेट अनुसंधान संस्थान को
स्थापना की और परमाणु अनुसंधान संस्थान के साथ जोड़ दिया गया। तो अब ये विक्रम साराभाई को मान लीजिए कि अंतरिक्ष का मान लीजिए एक प्रकार का नायक माना जाता। तो उसके बाद क्या हुआ कि केरल में 1962 में थुम्बा, अब कहिएगा कि अनुसंधान संस्थान केरल में ही क्यों लगाया गया। तो देखिए केरल में लगाने के मेन रीज़न ये है कि हमारा जो विषुवत रेखा है उसे अगर भारत का देखा जाए तो केरल बहुत नज़दीक पड़ता है। ऐसे किसी भी कहीं से भी छोड़ा जाए उसका ग्रेविटेशन 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ दिया जाए तो वो जाके कक्षा में फिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से छोड़ेंगे तो थोड़ा ईंधन कम लगेगा। इसलिए क्या किया गया, थुम्बा से उसको रॉकेट को रॉकेट अनुसंधान की स्थापना कर दी गई। और तब तक क्या हुआ कि दोनों साथ साथ चल रहा था। तो जब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं चलेगा, अच्छा चलो अब विक्रम साराभाई अब आपके नाम से हम एक अनुसंधान संस्थान छोड़। और उसका था 63 में तिरुवनंतपुरम स्थापना कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसका नाम रख दिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, तो विक्रम साराभाई के नाम से रख दिए। उसके बाद जब यहाँ पे अपोलो से नील स्टोन को भेजे या मिट्टी लेके वापस आ गया तो भारत को भी लगा कि नहीं हमको भी कुछ करना चाहिए, अब हम जो है अलग से एक स्पेस एजेंसी बनाएंगे। तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि भारत का एक अपना स्पेस एजेंसी होगा जिसका मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में होगा और उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है अलग से बनेगा और यहीं पर उसका जो है शोध होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरा बना दिया गया। तो 71 में फिर क्या किया गया कि श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का भी स्थापना कर दिया गया वहीं पर सतीश धवन के नाम से, वो भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब तक सिर्फ भारत बना ही रहा था। उस समय क्या हुआ कि जब मैंने कहा जाता है कि प्रथम बार जब 13 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट जो उपग्रह था वो छोड़ा गया था, तो कहा जाता है कि उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि अब मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष में अपना सेटेलाइट भेजने वाले हैं और यहाँ से बैलगाड़ी और साइकिल पर उसका पार्ट पुर्जा लाद के रूस को दिया गया। और बोला रूस ऐसे भी बहुत था कि सब देश को विकसित करना चाहता था, कहता था कि अच्छा छोड़ना आ जाओ हम तुमको भी छोड़ देते हैं आ जाओ। तो भारत क्या किया, भारत गया तो उसको क्या किया, रूस ने प्रथम बार 13 अप्रैल 1975 ईस्वी को रूस की सहायता से जो है इसका छोड़ा गया और उस समय से टीवी वगैरह हमारा काम करने लगा था थोड़ा बहुत। अब देखिए क्या हुआ कि तुरंत 1976 में ही शिक्षा से संबंधित भी व्यवस्था शुरू हो गई पढ़ाई लिखाई के संबंधित। उसके बाद ऐसे बैठा नहीं और प्रथम स्वदेशी निर्मित 1979 ईस्वी में भास्कर छोड़ा गया। लगातार वर्क करते रहे और असफल भास्कर जो था प्रथम बार जब छोड़ा गया तो कक्षों में नहीं पहुँचा, मैंने फिसिटी बम गया फुसफुसा कर गिर गया, जैसे फुलझड़ी था उसे गिर गया। कहा कोई बात नहीं है फिर से प्रयोग करें मेहनत करेंगे, जैसे अभी चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया वैसे फेल के बाद सक्सेस ही रहा। उसके बाद क्या हुआ, कहा नहीं 1980 में फिर एक छोड़ दिया जिसका नाम रखा गया रोहिणी। रोहिणी इतना अच्छा सक्सेस किया ताकि पूरा इंडिया अपना प्रथम स्वदेशी पूछेगा तो वो रोहिणी था जो सेटेलाइट छोड़ा गया था। अब दूसरा आते हैं फिर 81 में एप्पल छोड़ दिया गया। एप्पल जब छोड़ा गया, एप्पल मैंने कहा सेब उगने था चाहे उसका डिजाइन उजाइन नहीं था, सिर्फ नाम उसका एप्पल था। संचार में भारत का बहुत स्ट्रांग हुआ, क्रांति आ गई भारत में, पूरा व्यवस्था टाइट हो गया। 1982 में अब इसका नाम इनसेट रख दिया गया। अब इनसेट क्या होता है वो समझिए, इंडियन नेशनल सेटेलाइट 1982 में छोड़ा गया। और उसके बाद 1983 में इनसेट 1B करके छोड़ा गया, 1A 1B 1C ऐसे करके छोड़ा गया। इसका मतलब है कि पहले जो था किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर हुआ करता था, तो भारतीयों ने सोचा या फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि किसी व्यक्ति के नाम पर ना होकर इंडियन नेशनल सेटेलाइट के नाम से जो भी जाएगा 1B 2B 3 जो भी जाएगा सब छोड़ा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार
अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसके लिए अब जो है अब हम आगे बात करेंगे GSLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप वीडियो देख लिए हैं यहाँ तक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।